राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर एक जाति जांच समिति ने शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी। मलिक का आरोप था वानखेड़े मुस्लिम हैं और सरकारी नौकरी पाने के लिए उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था। 3 सदस्यीय समिति ने पाया कि समीर ज्ञानदेव वानखेड़े जन्म से मुस्लिम नहीं है और ये निर्धारित किया कि वानखेड़े और उनके माता पिता हिंदू धर्म के महर 37 अनुसूचित जाति के हैं। आदेश में लिखा गया है कि समीर और उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने हिंदू धर्म को त्याग दिया और इस्लाम में परिवर्तित हो गए। ये साबित नहीं करता है कि रूपांतरण ठीक से किया गया है। वानखेड़े के खिलाफ आरोप दक्षिण मुंबई के एक क्रूज जहाज पर छापा मारने और इस साल की शुरुआत में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार करने के बाद उठाया गया था। एनसीबी की विशेष जांच टीम द्वारा मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट देने के कुछ दिनों बाद IRS अधिकारी को मई में चेन्नई के डिजी करदाता सेवा निदेशालय में ट्रांसफर कर दिया गया था। पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने कहा कि वे उनके पूर्वजों की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए महाराष्ट्र के वाशिम जिले में उन पैतृक स्थान भी गए थे। एक अधिकारी ने कहा, हमने उसके चाचा, अन्य रिश्तेदारों और पुलिस पाटिल सहित लगभग 10 लोगों के बयान दर्ज किए थे जिन्होंने पुष्टि की थी कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े नशीले पदार्थों के मामले की जांच लिए वानखेड़े को 2020 में NCB में ले जाया गया था, जहां रिया चक्रवर्ती को उस मामले में गिरफ्तार किया गया था। NCB के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वानखेड़े ने कई मामले दर्ज किए जिनमें कम मात्रा में नशीले पदार्थों की जब्ती शामिल थी।